गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मेरा दूसरा ब्लॉग और मैं मॉर्निंग से फाइनली शुरू कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी तबीयत मेरी बेटर है। तो आज हम बना रहे हैं भतुए के पराठे, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भतुए की कढ़ी नहीं बनती है, नौनिए की कढ़ी बनती है। सो अभी मैंने इसको बॉयल होने रख दिया है, अभी बॉयल होना शुरू हो गया है। तो मैंने इसको कटिंग नहीं करी क्योंकि जब हम इसको आटे में गूंदेंगे तो ये जाहिर सी बात है कट जाएगा। तो बस अभी मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ लहसुन छील कर रखा है, अभी मैं अदरक और हरी मिर्ची काट कर और एक चटनी बनाती हूँ इसमें डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इतना अदरक और ये कुछ लहसुन लिए हैं, 3 हरी मिर्ची लिए हैं, इन सबको अब मैं एक चटनी तैयार कर लूंगी इन सबकी। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़े हूँ इसलिए पहले मैं कैमरा बंद करूंगी फिर ये कटिंग करूंगी। तो अब हम बनाएंगे आटा, मतलब मैं आटा गूंदूंगी। तो मैंने इसमें जीरा ऐड किया है, इसमें नमक ऐड करेंगे। और वैसे जब आटा गूंदते हैं ना तो नमक थोड़ा कम डालते हैं, लेकिन अभी हम भतुए के पराठे बना रहे हैं तो हम इसमें नमक अच्छे से ऐड करेंगे। और ये ऐड करेंगे हम अपनी चटनी। इस चटनी की स्मेल इतनी अच्छी आती है ना सर्दियों में, अदरक लहसुन मजेदार। अभी गरम है थोड़ा एहतियात से। तो यहाँ पर हमारा आटा जो है ना भतुए के पराठों का बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चले हम जल्दी से 2 पराठे डाल लेते हैं मम्मी के लिए। क्योंकि अभी तो सब लोग सो रहे हैं और बज चुके हैं 8:15 हो चुके हैं, और तो मैंने सोचा मम्मी को नाश्ता दे देती हूँ। तो बस मैं 2 पराठे ही डालूंगी और फिर उसके बाद मैं चाय पीऊंगी। और क्योंकि अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, मैं बहुत टाइम की उठी हुई हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है चाय की। तो सबसे पहले मैं पराठे डाल के मम्मी को देकर आती हूँ फिर कुछ करूँगी। आटा थोड़ा सा सॉफ्ट गूंद गया है क्योंकि वो गर्म गर्म था बदुआ, और गरम गरम मैंने इसको भून लिया। तो यहाँ पर मेरे बनने लगे हैं पराठे। और अच्छा, इसमें ना आप आलू भरकर भी बना सकते हैं, बड़े ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन मैंने तो नॉर्मल से बनाया। और बस मैं बना ही रही थी इतने में दादी आ गई, तो मैंने सोचा लाओ 2 और बना देती हूँ दादी के लिए। तो और फिर मुझे भी ना बनाते बनाते चाय से खाने का बड़ा ही मन हुआ, तो फिर मैंने चाय से अपने लिए भी 1 पराठा बनाया, 2 दादी के लिए बनाए, 2 ऊपर मम्मी के लिए बनाए। और बस ये करते करते मेरा टाइम हो गया, मैं दादी के साथ गप्पे भी मारने लगी क्योंकि दादी की भी ना सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अच्छा, ऐसा हो ही जाता है सबकी, आजकल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, कोई सर्दी की वजह से, किसी के पेट में दर्द है, किसी के बैक में पेन है, किसी के कहीं दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है, तो दादी की तो फुल बॉडी में ही दर्द है और मेरी भी फुल बॉडी में दर्द है। तो बस यहाँ पर मैंने दादी को पराठे दे दिए और दादी इतनी जल्दी निकली और बहुत इंसिस्ट करने के बाद दादी लेकर गई थी। हे गाइस, मॉर्निंग हो गई, और मॉर्निंग तो स्कैर सुबह ही हो गई थी, मैं सुबह आप लोगों से गुड मॉर्निंग भी कर ली थी। अभी देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीर, यहाँ पर बनना है मटन, और यहाँ पर मैंने मटन को अच्छे से धो लिया है। ये अदरक लहसुन पीसना है, चटनी थी और अभी आज मुझे टाइम नहीं मिला, तो अभी मुझे चावल भी पीसना है। तो आज मैं चावल का वैसे मैं थोड़ा सा फैला लेती हूँ उनको, और मैं ना आज मोटे वाले साबुदाने की खीर बना रही हूँ। देखिए आप कितने हैवी, मुझे नहीं है ज़्यादा पसंद सच्ची बताओ मोटे वाले साबुदाने की खीर, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद। आज बहुत शॉर्ट टाइम है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, तो बस जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर चावल पीस लेती हूँ। वैसे मैं चावल उनको आपको पता है थोड़ा करारे करके सूखे सूखे पीसती हूँ, बट आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो आज मैं इसको पानी के साथ पीस लेती हूँ।
दूध यहाँ पर 2 किलो है, इसको पीस लेती हूँ। और ये मसाला भी यहाँ चावल पीस गए और मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ चावलों को भी। वैसे टाइम इतना नहीं हुआ है, अभी 5:15 हुए हैं, लेकिन क्या है ना दादा बहुत जल्दी खाना खाते हैं, दादा बहुत जल्दी खाना खाते हैं, मतलब अभी 5:30 पे वो खाना खा लेंगे, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और फिर मम्मी पापा भी जो है ना, मम्मी भी अब क्या लेटी लेटी रहती हैं तो जल्दी भूख लगाती है, क्योंकि जब कुछ इंसान काम नहीं करता है या तो फिर उसको आलस आता है या फिर उसकी भूख मर जाती है। तो अभी अंजुम नहीं है तो मैंने सोचा लाओ कुछ, वैसे वो भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना बना के मम्मी को खिलाती रहती है, कुछ ना कुछ मम्मी बनवाती रहती है। तो मैंने सोचा आज मैं खीर बना लेती हूँ, दूध रखा ही है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आज ना मैंने हस्बैंड के वही जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई है स्टार्ट, तब से वही कपड़े धो रहे हैं। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम कपड़े धोए और फिर बहुत सारा काम निकल आया, घर का भी काम था, वैसे वही धोते लेकिन उनको वर्किंग पर जाना था इस वजह से ना। और आज मेरा हाथ देखें आप कितना सारा कट गया, एक यहाँ से कट गया, वो बहुत गहरा कटा है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे प्याज वगैरह काटने में। और थैंक गॉड मैंने ना ये सारे काम करने से पहले ना एक काम बहुत अच्छा करा था, मैंने आटा गूंद कर रख लिया था, मेरा हाथ कट गया था उससे पहले मैंने आटा गूंद कर रख लिया था दोपहर में ही, क्योंकि मुझे पता था मैं ये सारे काम स्टार्ट कर दूंगी ना जब बनाना करना। अच्छा आज ना मैं स्टू बना रही हूँ, तो स्टू में आप पहले मटन डाल दें, साथ में सब कुछ डाल दें, तेल भी डाल दें, तेल होने भी नहीं दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं आज वैसे ही बना रही हूँ, लेकिन मैंने तेल पहले डाल दिया था और मैं इसमें लग गई, तो मेरा थोड़ा सा काम रह गया है। और बीच बीच में इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी चिपक रही है। आज एमी जीनू से थोड़ी सी हेल्प ले ली थी काम में, तो एमी जीनू की तबीयत खराब हो गई, बड़े नाजुक बच्चे हैं आजकल के, जितना उनको अच्छे अच्छे से खिला रहे पिला रहे रख रहे हैं। और मेरा जो सूट सिलकर आया है वो आज जो मैंने लिया था वो भी आज परसों सिलकर आ गया था, मैंने एक दिन दिया और उन्होंने फौरन सिलकर भेज दिया। बस थोड़ा सा ट्राउजर टाइट है, दोबारा करवाने के बाद भी टाइट बहुत है, मैं उठ बैठ नहीं पा रही, सो मैंने ट्राउजर उतार दिया। अभी मैं आपको अपना सूट दिखाऊंगी, तबीयत ठीक हो और दिल अच्छा हो तो काम भी अच्छे अच्छे तरह हो जाते हैं। वैसे मेरी तबीयत आज थोड़ी सी डाउन हो गई थी शाम के टाइम, बिल्कुल चला थी, छत पे कपड़े डले हैं पता नहीं, पर मैं नहीं जा पाऊंगी उठाने के लिए, मुझसे जरा भी नहीं जीने चढ़ा जा रहा है। तो सारे काम मेरे हस्बैंड अब करेंगे आगे के। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ झटपट से, बिल्कुल सिंपल तरीके से मटन, क्योंकि मसाले का मुझे खाने का मन नहीं हो रहा था और हरी मिर्ची टमाटर वगैरह का ना दादा दादी को टमाटर वगैरह पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा लाओ मैं सिंपल सा बनाती हूँ। यहाँ पर हमारी खीर भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, यहाँ पर मैंने मखाने डाले, मखाने में पीस कर, अच्छा बड़े बड़े साबुदाने थे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो फाइनली हमारी खीर हो गई रेडी और कुकर की गैस भी बंद कर दी है, अब मैंने दूध गर्म होने रख दिया है। अब हमारा लास्ट बचा है इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना, ये चाय पत्ती इतनी ज्यादा बेकार है, इस बार मैंने ये मंगवाई थी बहुत बेकार निकली,
सो अब हमारा ड्राई फ्रूट्स के अंदर ऐड करेंगे। वैसे मैं सोच रही थी ऊपर से डालूंगी, लेकिन रहने देते हैं। और मखाने भी डल गए, सारी चीजें इसके अंदर ऑलमोस्ट डन है। खीर हमारी अभी ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। चले जी, हमारे खीर रेडी। अब मैं जा रही हूँ किचन से बाहर, थोड़ा सा लेटूंगी जब तक इसकी गैस निकल रही है। मटन हो गया है हमारा रेडी। ओह, चम्मच कहाँ है, चम्मच कहाँ है? और रोटियां भी हो गई हैं हमारी रेडी। चम्मच कहाँ है? देखो, ये अपनी दादी के लिए रोटी लगा रही है।